हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिहार पुलिस के फार्म 2020-21 के लिए फार्म आ चुका है, जो 8415 के लगभग में सीट है। तो आप इसको जल्दी से जल्द फार्म भर दें, नहीं भरें तो आज जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेगा, किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा, सभी इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बिहार पुलिस में 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें टोटल प्रश्न की संख्या 100 रहेगा। टोटल प्रश्न की संख्या 100 रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, एक प्रश्न के लिए एक अंक दिया जाएगा। और इसमें यह बात याद रखें कि नेगेटिव मार्क नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहता है बिहार पुलिस में, तो इसको आप याद रखेंगे। आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 100 प्रश्न रहेगा, आपको 100 में 100 मारना है। तो इसको याद रखेंगे, कितने सब समझते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्क है, लेकिन नेगेटिव मार्क इसमें नहीं रहता है, 100 प्रश्न को 100 मार्कर आएंगे। और टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग 2 घंटा का रहता है, टाइम इसका 2 घंटा का रहता है। अब आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम रहता है, 2 घंटा का टाइम देगा, तो अब इसमें 2 घंटा का टाइम बहुत मिल जाता है ऑफलाइन में। और इसका देखिए हिंदी पूछता है व्याकरण, हिंदी व्याकरण पूछेगा, 10 से 12 प्रश्न पूछेगा, सभी व्याकरण से रहेगा, जितने प्रश्न है सब व्याकरण से। जैसे हो गया विलोम शब्द, हो गया तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, मुहावरा, इसमें से एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न सभी रहते हैं। तो हिंदी व्याकरण से 10 से 12 प्रश्न रहेगा। और मैथ देखिए, मैथ का प्रश्न रहेगा, ये भी ये 10 से 15 के बीच में रहेगा, मैथ से 10 से 15 के बीच में रहेगा, इसमें सभी आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्रयमूल, विक्रयमूल, सभी प्रश्न रहेंगे, 10 से 12-15 प्रश्न के बीच में रहेगा, मैथ का प्रश्न रहेगा। और इंग्लिश देख ले, इंग्लिश से भी रहेगा प्रश्न, 5 से 7 प्रश्न, इंग्लिश से 5 से 7 प्रश्न रहता है। ये तीनों मिलाकर आप देख सकते हैं, हिंदी और मैथ और इंग्लिश तीनों मिलाकर 30 प्रश्न रहेंगे, इसमें कभी ज़्यादा कभी कम इसमें से हो सकता है तीनों का, लेकिन तीनों मिला के 30 प्रश्न रहेंगे। कभी ये 10 दे देंगे, तो कभी ये 15 दे देंगे, कभी ये 7 देगा, तो कभी ये 12, इस तरह के घट बढ़ सकता है। लगभग मैं बताया हूँ कि 10 से 12 प्रश्न हिंदी का और मैथ का 10 से 15 के बीच, और इंग्लिश से 5 से 7 के प्रश्न, देखिए तीनों मिला के 30 प्रश्न रहेंगे। और समान ज्ञान जीके के इसमें 40 प्रश्न रहेंगे, इसमें आ जाएगा ज्योग्राफी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा और पॉलिटिक्स आ जाएगा। 4 विषय है समान जीके में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। सबसे ज़्यादा भूगोल से पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, इसमें ज्योग्राफी से 10 या 12 प्रश्न रहेगा, ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में रहता है। उसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से कम रहता क्वेश्चन, 3 से 4 प्रश्न रहेगा इकोनॉमिक्स से। तो टोटल जीके में लगा 40 प्रश्न रहेंगे इसमें। अब अगर साइंस में 30 प्रश्न रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें 30 प्रश्न रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, सबसे ज़्यादा रहेगा प्रश्न बायोलॉजी से, उसके बाद फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से कम रहता है, बायोलॉजी से 12 प्रश्न से कम नहीं रहेगा, 12 प्रश्न बायोलॉजी से रहेगा। और फिजिक्स से भी वही रहेगा, 10 प्रश्न फिजिक्स से रहेगा, 10 या 12 प्रश्न बाकी जो बचा केमिस्ट्री से रहेगा। ये तीनों मिलाकर समान विज्ञान में 30 प्रश्न रहेंगे। अब बिहार से प्रश्न रहेगा स्टेट लेवल से, 1 या 2 प्रश्न, ज़्यादा नहीं पूछता है, 1 या 2 पूछ देंगे, कहाँ की जनसंख्या घनत्व किस जिला में सबसे कम है, या किस साक्षर जिला में कौन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, ये सब पूछता है। 1 या 2 प्रश्न रहेगा बिहार से, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब करेंट अफेयर देख लीजिए, करेंट अफेयर 1 से 2 प्रश्न रहेगा, करेंट अफेयर भी ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता, अब बिहार से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता, 1 से 2 प्रश्न करेंट अफेयर का रहता है, अब बिहार से भी 1 या 2 प्रश्न रहता है। तो टोटल 100 प्रश्न हो गया, इसके कम से कम आपको लाना है 80 से 85 के बीच लाना नंबर, तभी रिजल्ट होगा, इससे कम लाएंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि बिहार पुलिस का हमेशा क्वेश्चन आउट ही हो जाता है, हमेशा प्रश्न देखिएगा कि इसका आउट हो जाता है। इसलिए 80 या 85 के बीच आपको लाना हर हाल में, सिर्फ रिटर्न पास होने के लिए, ये मेरिट नहीं बनेगा रिटर्न पर, ये फिजिकल पर मेरिट बनता है, अभी 2 साल से बन रहा है फिजिकल पर मेरिट, अगला भी फिजिकल पर मेरिट बनेगा, रिटर्न सिर्फ
क्वालिफाई करने फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए है, तो आपको कम से कम 80 से 85 प्रश्न के बीच लाना है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद में फिजिकल का भी मैं पूरे डिटेल से बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही बिहार पुलिस का कोर्स लेके आ रहा हूँ, उसको जल्द ही चालू करने वाला हूँ। अभी तो फार्म भरा रहा है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इस पर बिहार पुलिस का क्लास चालू कर दूँगा। तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। ये फ्री कोर्स है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।